नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में कड़ाके की सर्दी से लोगों को मामूली राहत मिली है। बीते 24 घंटे में रात के पारे की बात की जाए तो कई जगहों पर पारे में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही दिन का तापमान 3 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के निदेशक आर एस शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं का असर कम हुआ है। ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई और शीतलहर से राहत मिली है। जयपुर की बात की जाए तो बीते दिन सोमवार के साथ साथ मंगलवार सुबह भी बीच बीच में शीतलहर चलने के साथ ही गलन सर्दी बढ़ती रही। आज का तापमान 3 डिग्री बढ़कर 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक माउंट आबू में न्यूनतम तापमान माइनस से ऊपर बढ़कर बीती रात जमाव बिंदु पर दर्ज हुआ। बुधवार से प्रदेश में राज्य के ऊपर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना है। इसके असर से 3 फरवरी को आसमान में बादल छाए रहने और उत्तरी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। गुरुवार को जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के उत्तरी जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना भी है। इससे फिर से सर्दी बढ़ने के आसार पूरी तरह रहेंगे। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।